हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अब तक जो भी रेगुलर चल रहा है उसको आप कंप्लीट करते होंगे। फ्रेंड्स, अब से क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, ये तीनों के तीनों सब वैसे तो एक ही मेथड्स है, ओके, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन इन सब के अंदर आगे के हम जो भी सम करेंगे उसके अंदर आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाएंगे, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो बेसिक सम थे वर्ड प्रॉब्लम के वहां पे सीखा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 में स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला है, अ स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। ओके, कोई स्क्वायर बॉक्स समझ नहीं किया या फिर टीन है ये स्क्वायर। ओके, क्या साइड क्या है, 18 सेंटीमीटर, तो ये पूरा का पूरा क्या है 18 सेंटीमीटर। ये ओके स्क्वायर होगा तो चारों साइड से भी हो, सीधी बात। आगे बढ़ते हैं, इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। ये जो स्क्वायर स्क्वायर पीस ऑफ टीन जो है उसको आपको बॉक्स बनाना। ओके, कैसे बनाएंगे, विदाउट टॉप, जिसका टॉप नहीं होगा ऐसा आपको बॉक्स बनाना है। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, मतलब ये जो आपको एक स्क्वायर पीस ऑफ टीन दिया है, ओके, उसके चारों के चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर कट करूंगा। कैसा, सपोज यहां से इतना स्क्वायर निकाल दिया, सपोज यहां से इतना स्क्वायर निकाल दिया, यहां से ये स्क्वायर निकाल दिया, यहां से ये स्क्वायर निकाल दिया। ओके, ये चारों के चारों स्क्वायर को निकाल दिया तो यहां पे जो बचेगा वो कुछ ऐसा होगा। ओके सर, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक तो पहले पढ़ लेते चलिए। By cutting the square from each corner and folding up, okay, ये जो square यहां से कट दिया कर दिया होगा किसका, पीस ऑफ टीन का जो एक आपको शेप दिया है वहां पे चारों साइड में से आपको एक स्क्वायर कट करता है, फिर जो भी बचता है उसको फोल्ड करता है तो एक बॉक्स बनेगा जो क्या होगा विदाउट टॉप, टॉप जिसका भी होगा। What should be the side of square to be cut? Okay, so that the volume of box मैक्सिमम पॉसिबल। चलिए पहले सम को अच्छे से समझते हैं। सम ने एक्चुअली किया क्या, देखिए ये कोई आपका स्क्वायर है, समझ लीजिए ये कोई स्क्वायर, मुझे ऐसा बोला है चारों कॉर्नर से आपको एक कट करना पड़ेगा स्क्वायर, तो मैं यहां चारों कॉर्नर से कट कर रहा हूं। ओके, ऐसे पहला कॉर्नर से कट कर दिया, ये दूसरे कॉर्नर से कट कर दिया, ओके, ये तीसरे कॉर्नर, और ये चौथे कॉर्नर, चारों कॉर्नर से आपको एक एक स्क्वायर निकाल देना है, कट करना है। ओके, ऐसा यहां पे बच रहा है। अब जो बाकी साइड बची उसको आपको फोल्ड कर देना है, ऐसे ये फोल्ड कर दिया, चलिए ये फोल्ड कर दिया, यहां पे ये फोल्ड कर दिया, यहां पे ये फोल्ड कर दिया, ये फोल्ड कर दिया, तो देखिए तो एक बॉक्स जैसा आपको दिख रहा होगा। ओके, ये बॉक्स दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, लेकिन जिसका टॉप नहीं है, देखिए यहां पे टॉप से कुछ नहीं है, ओके, टॉप में कुछ नहीं, तो ये कैसा बॉक्स बना। अब मुझे इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, तो मैंने जो ये स्क्वायर कट किया है उसकी साइड क्या होगी, आपको बोल रही है आपको बॉक्स मिल रहा है, हाँ बॉक्स मिल रहा है। ओके, चलिए इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अब पहले आप ये सपोज करिए कि आपकी जो साइड थी किसकी, स्क्वायर पीस ऑफ टीन, उसका 18 सेंटीमीटर लेंथ, ओके, सभी साइड 18 सेंटीमीटर की, अब उसमें से आप सपोज x सेंटीमीटर का कट कर रहे हो स्क्वायर, तो स्क्वायर का साइड क्या होगा x सेंटीमीटर, ऐसा आप कट कर, ऐसा एज्यूम कर, ओके,
यहां पे लिखते हैं गिवन साइज ऑफ अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन इज 18 सेंटीमीटर. सपोज सपोज स्क्वायर ऑफ x सेंटीमीटर साइड इज कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ गिवन पीस ऑफ टिन. जो आपको पीस ऑफ टिन दिया है ओके उसके चारों साइड से मैं क्या कर रहा हूं, एक x सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर कट कर रहा हूं. यहां पर मैंने लिख दिया ओके. तो ना अब जो बचेगा जरा ध्यान से देखना, ये हर एक की साइड क्या होगी, एक सेंटीमीटर होगी ओके. क्योंकि आपने चारों साइड से इक्वल एक्स सेंटीमीटर का स्क्वायर कट किया है, ये चारों एक्स सेंटीमीटर. अब आपको वॉल्यूम के लिए बात करनी है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ न्यू मैड बॉक्स. जो आप बॉक्स विदाउट टॉप ओके, जिसका टॉप नहीं है उसका आपने जो बॉक्स बनाया उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच, वॉल्यूम का तो यही फॉर्मूला होता है ओके. अब सर यहां पे ये लेंथ ये ब्रेथ और ये हाइट हो जाएगी. हाइट मतलब क्या होता है, आपने जो चलिए आपने यहां पे कितने एक्स सेंटीमीटर का निकाला है स्क्वायर, तो अगर मैं इतना इसको फोल्ड करूंगा देखो तो ये जो हाइट होगी, ये जो हाइट होगी बॉक्स की वो क्या होगी, एक्स सेंटीमीटर. तो आपको हाइट मिल गई लेकिन लेंथ क्या मिली थी, 18 सेंटीमीटर है, उसके अंदर से आपको इस वाला एक्स और इस वाला एक्स मतलब 2x निकालना पड़ेगा. तो इतना जो बचेगा वो क्या आएगा, 18 माइनस 2x. तो अब जो आपकी लेंथ होगी वो 18 माइनस 2x होगी. आई होप कि आप समझ रहे हो. और ये जो ब्रेथ होगी वो भी क्या होगी, 18 माइनस 2x ही होगी ना. हाँ क्योंकि पूरी 18 थी उसमें से ये वाला x और ये वाला x निकाल दिया तो अब पूरी 18 थी. अब इतना कितना बचेगा, 18 माइनस 2x. चलिए तो आपको लेंथ l इज इक्वल टू 18 माइनस 2x मिल गई सेंटीमीटर, ब्रेथ मिल गई 18 माइनस 2x, एंड जो हाइट होगी वो x सेंटीमीटर. x सेंटीमीटर क्योंकि आपने चारों कॉर्नर से x सेंटीमीटर का स्क्वायर निकाला. अब इसको मैं आगे फोल्ड करने वाला हूं, कैसे फोल्ड करूंगा ये रहा ओके. ये मैंने फोल्ड किया सपोज ऐसा था हाँ, तो इसको मैंने जैसे ही फोल्ड किया तो जो हाइट होगी वो क्या होगी, एक सेंटीमीटर हो जाएगी ओके. तो ये फॉर्मूला है एम बी एच. तो आपको वॉल्यूम मिला, वॉल्यूम इज इक्वल टू ओके वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एल मतलब 18 माइनस 2x इंटू बी मतलब 18 माइनस 2x इंटू एच मतलब एक्स. तो सर ये जो वॉल्यूम मिला अब तक आपने सिर्फ v लिखा, अब आप इसको v ऑफ x लिख सकते हो. क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो अब किसका फंक्शन बन रहा है, x का फंक्शन नहीं दिख रहा है. तो v ऑफ x आपको क्या मिल गया, v ऑफ x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x. तो देखिए सर आपने वॉल्यूम ही क्यों निकाला, क्योंकि मैंने आपको आगे के लेक्चर में भी बोला है जो स्टेटमेंट आपको मैक्सिमम और मिनिमम के इर्द गिर्द दिखेगा यहां पे क्या लिखा है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल. तो यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल किसको प्रूफ करना है, किसको लाना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. तो मैंने यहां पर वॉल्यूम, तो आपको कोई भी सम डेफर्ड प्रॉब्लम का वहां पे आपको फंक्शन कैसे बनाना है, तो जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड दिखेगा यहां पर मैक्सिमम वर्ड दिखेगा ओके. इसके नजदीक इसके आजू बाजू का फुल स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भाई वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आपको मैक्सिमम बता रहे. तो मैंने वॉल्यूम ऑफ न्यू मेड बॉक्स जो आपको नया बॉक्स बन रहा है उसका विदाउट टॉप एलपीएच फॉर्मूला तो बोले सही आएगा, ये मैंने फंक्शन बना ओके. सर अब क्या करना है, अब बाकी से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसको मैं सॉल्व करूंगा और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. चलिए पहला नाम है, तो पहले मैं यहां पर
ऑफ x की लेता हूं क्या आएगा 18 माइनस 2x का स्क्वायर इनटू x. ओके तो रिलेशन ऑफ x पहला डेरिवेटिव क्या करना है मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा पहला है जल्दी दूसरे का x का डेरिवेटिव 1 प्लस दूसरा है जल्दी पहले का डेरिवेटिव क्या आएगा पावर आगे एक पावर कम इनटू 18 माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2. ओके ये क्या बन गया देखो दोनों में से 18 माइनस 2x को मैं कॉमन निकालूंगा तो यहां पे 18 माइनस 2x सिर्फ बच जाएगा ये तो वहां निकले माइनस आगे चला जाए माइनस 4x यहां पर. ओके तो ये क्या बन गया 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x. तो अब आपको क्या करना है बेटा अब आपको वीडियो ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो रखना है ये तो आपको आइडिया है सेकंड डेरिवेटिव आपको अच्छे से पता है. अब मैं विदेश ऑफ एक्स जीरो रखूंगा तो 18 माइनस 2x 18 माइनस 6x इज इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा. हाँ ओके यहां पे 18 माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो और 18 माइनस 6x इज इक्वल टू जीरो तो यहां पे 18 इज इक्वल टू 2x आ गया तो x इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा और 18 इज इक्वल टू 6x आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा. ओके अब दोनों में से कौन सी वैल्यू आप ले सकते हो उसके बारे में हमको आइडिया कौन देगा सेकंड डेरिवेटिव क्योंकि यहां पे अगर वी डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमको याद होना चाहिए पहले मैं वी डैश ऑफ एक्स निकालूंगा फिर वी डबल डैश ऑफ एक्स निकालूंगा. चलिए पहला है सीरीज दूसरे का डेरिवेटिव माइनस 6 प्लस दूसरा है सीरीज पहले का डेरिवेटिव माइनस 2. ओके ना ये क्या बन जाएगा बेटा अच्छा एक काम करो अगर आप यहां पे एक चीज नोट करो कि बी डबल डैश के अंदर अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 9 लिखता हूं ओके आपको यही मैं पता चल जाएगा एक्चुअल में क्या देखिए डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 9 लिखूंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ये जीरो. ओके तो यहां पे 18 माइनस 6 इंटू 9 माइनस 2 तो ये देखो 18 माइनस ये हो जाएगा 54 इंटू माइनस ये वाला नंबर नेगेटिव है ये वाला नंबर नेगेटिव है तो इसका जो भी आंसर होगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव हो जाएगा. ओके 18 माइनस मुझे आंसर के साथ कोई लेना देना नहीं मुझे साइन के साथ लेना है तो ये वी डबल डैश ऑफ 9 आपको क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि माइनस इनटू माइनस ये ग्रेटर देन जीरो सो वी गेट मिनिमम वैल्यू ना मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 9. तो सर मुझे मिनिमम के लिए नहीं बोला है मुझे किसके लिए बोला है देखो बॉक्स पॉसिबल जो भी साइड होगी वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल जितना हो सके उतना ज्यादा इसके लिए तो आपको मिनिमम मिल रहा है. ओके तो आप ये सो अब किसकी बारी बी डबल डैश ऑफ 3 की बारी किसकी बारी चलिए तो यहां पे रखते हैं 18 माइनस 2 इंटू 3 इंटू माइनस 6 प्लस ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा. अगर x की जगह पे यहां पे 3 रखूंगा तो 18 माइनस 8 तो 0 हो जाएगा ना 18 माइनस 6 तो पॉजिटिव आएगा नंबर. ओके 18 माइनस 6 करोगे तो 12 इंटू माइनस 6 ठीक है आंसर के साथ कोई लेना नहीं ये क्या है लेस देन 0 लेस देन 0 का मतलब क्या होता है नेगेटिव. सो वी विल गेट मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू विच वैल्यू थी तो मेरा जो साइन होगा आपको जो साइड फाइंड करनी है स्क्वायर की जो आपने कट किया है उसकी साइड क्या होगी जो स्क्वायर आपने कट किया है पीस में से वो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए 3 सेंटीमीटर. ओके सो वी विल कट स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर from each of the corner to get
मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स जो कि होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो कितने सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करना पड़ेगा एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का। ओके, तो यहां पे हमने इक्वेशन का आंसर निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर फिर से एक बार सबको रिकॉल करें, मुझे क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला है अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन, आपको एक टिन का एक स्क्वायर का पीस दिया हुआ है। ओके, 18 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ और हाइट होगी, ये लेंथ और ये हाइट, और सॉरी लेंथ ये ब्रेथ। ओके, मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, जिसका कोई टॉप नहीं है, ऐसा आपको बॉक्स बनाना है। कैसे बनाना है? बाय कटिंग अ स्क्वायर ऑफ ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप of the flops, flaps, okay. What should be the side of the square? Okay, ये पूरा सब आपने समझ लिया। आपको क्या करना है? चारों कोर्नर से एक सेंटीमीटर का एक स्क्वायर निकालना है, फिर जो बाकी बचता है उसको मुझे यहां पे फोल्ड करना। तो आपको एक बॉक्स बना देता हुआ दिखेगा जिसका कोई टॉप नहीं होगा। ओके, तो बॉक्स का ये क्या हो जाएगा? बॉक्स का ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेथ, ये x क्या हो जाएगा? हाइट। क्या मैं आपको दिखा देता हूं फिर से? ओके, चलिए ये क्या हो गया, देखिए ये क्या हो गया l, ये वाला साइड l, ये वाला साइड ब्रेथ, एंड ये वाला साइड जो कि x था वो आपका हाइट हो सकता है। ओके, चलिए सर सेम सिचुएशन नेक्स्ट सम में भी आएगा, तो ये सब अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वो सब आपके लिए इजी हो जाएगा। तो लेंथ मैंने 18-2x³ लिखा, जो कि ये पूरी साइड 18 सेंटीमीटर की थी, आपको दोनों कॉर्नर से एक सेंटीमीटर का निकाल देना पड़ेगा स्क्वायर, तो 18-2x हो जाएगा, ब्रेथ 18-2x आ जाएगा, h x हो जाएगा हाइट। ओके, वॉल्यूम ऑफ न्यू बेड जो आपने फोल्ड करके एक नया बॉक्स बनाया है विदाउट टॉप इज इक्वल टू mph, तो वॉल्यूम ऑफ फंक्शन किसका बनने वाला है? x का। और आपको फंक्शन बनाना कैसे है? आपके इक्वेशन की मदद से देखिए, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के बारे में मैं ही सोचूंगा फिर आगे का सर कैसे करना है आपको पता है। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18 एज इट इज 17 के जैसा, लेकिन यहां पे थोड़ा चेंज का हक है। फर्स्ट लाइन अ रेक्टेंगुलर शेप ऑफ टिन, वहां पे स्क्वायर बोला था आगे के समय, स्क्वायर शेप बोला था या फिर स्क्वायर पीस बोला था, यहां पे रेक्टेंगुलर है और कुछ नहीं, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर। ओके, तो यहां पे लेंथ क्या हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा कितना 24 सेंटीमीटर। इज टू बी बैड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, सेम सिचुएशन आगे की सम की तरह कि यहां पे भी बाय कटिंग द स्क्वायर ऑफ ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप। यहां से मुझे स्क्वायर निकालना है दोनों साइड चारों कॉर्नर से, चलिए ये स्क्वायर निकाला। सभी स्क्वायर का जो भी साइज होगा वो क्या होगा? एक्स सेंटीमीटर साइज वाला साइज होगा। ओके, चलिए तो यहां पर वापस क्या लिखेंगे? ये वाला रेक्टेंगुलर शेप ऑफ 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको मुझे बॉक्स के अंदर कन्वर्ट करना है बाय कटिंग अ स्क्वायर ऑफ एक्स सेंटीमीटर। ओके, यहां पर लिखेंगे बाय कटिंग एक्स सेंटीमीटर साइज स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर we will make a box without top,
फोल्डिंग करके फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स वी विल पैक द बॉक्स विदाउट टॉप। तो मुझे यहाँ पे फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन के लिए क्या सोचूंगा, तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट शुड द साइड ऑफ दिस स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। तो फिर से बात आ गई, फंक्शन कहां पे बनेगा, मैक्सिमम बोला है क्या, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, तो इसी की मदद से मैं फंक्शन बन सकता। देखिए सर, आगे वाला स्क्वायर दिया था, ये वाला क्या दिया है, रेक्टेंगुलर दिया। ओके, तो यहां पर मैं x सेंटीमीटर, x ये जो सेंटीमीटर है उसकी साइड को क्या कट करूंगा, ये आपको आइडिया है आगे के संबंध में किया है, तो आपके लिए थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ l, इसी को l कितना बनेगा, ये पूरा 45 का, इसमें से ये x x माइनस करूंगा, तो ये जो हो जाएगा 45 माइनस 2x बन जाएगा। ओके, तो लेंथ l की बन गया 45 माइनस 2x सेंटीमीटर, ये जो होगी विड्थ बोल सकते हो, ये जो विड्थ, ओके, तो l ये b या फिर विड्थ ये कितना हो जाएगा, 24 माइनस 2x बोल सकते हो, क्योंकि ये पूरा 24 यहां पे दोनों साइड से x है, तो 2x के साथ, तो l b क्या हो जाएगा, 24 माइनस 2x सेंटीमीटर। अब हाइट की अगर बात करें तो ये जो स्क्वायर निकाला है उतनी ही हाइट होगी ना बेटा, हमने आगे एक सम किया था, देखिए ऐसा ही था। ओके, ये जो x आपने यहां से कट किया है इतनी साइड, अगर मैं उसको फोल्ड करूंगा तो ये जो होगा वो हाइट ऑफ दी बॉक्स हो जाएगा, सीधी बात है। तो हाइट ऑफ दी बॉक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एक्स सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स एल बी एच, ओके, चलिए 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x एंड x, तो ये वॉल्यूम जो है वो फंक्शन किसका बन गया, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसका फंक्शन बन गया। हाँ, सीधी बात, आगे बढ़ो सर। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो पहले एक काम करते हैं, अगर डेरिवेटिव करना ही है तो अंदर मल्टीप्लाई देते हैं, 24 और 45 इंटू 24 करना पड़ेगा, 0 0 10 9 ये हो गया 1080, ओके 1080, इसको यहां पर मल्टीप्लाई किया इसको यहां पर, तो माइनस 9x हो जाएगा, सॉरी 90x हो जाएगा, माइनस 48x माइनस माइनस प्लस 4x का स्क्वायर इनटू होल x मल्टीप्लाई करना। ओके, चलिए x को और अंदर मल्टीप्लाई देते तो क्या हो जाएगा बेटा, तो यहां पे देखो ये आगे लिख रहा हूं 4x का क्यूब, इसको बाहर ही रखें, ठीक है, मुझे कोई अच्छा डेरिवेटिव करना है तो काम में आएगा, 4x का क्यूब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई एडिशन होगा, तो यहां पे a 138 ये माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आप लिख दो प्लस 1080x। तो ऐसा क्यों कह रही, आपको जब भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा वो इजी रहेगा, अगर मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाना, तो विदेश ऑफ एक्स यहां पर निकालते हैं, ये मैंने फंक्शन बनाया इसकी मदद से, ये स्टेटमेंट की मदद से, विदेश ऑफ एक्स इक्वल टू 12x का स्क्वायर माइनस 138 इंटू 2 करेंगे 276, तो ये माइनस 276x हो जाएगा, ओके, प्लस 1080 आ जाएगा। अब आपका काम क्या है बेटा, अब आपका काम ये है कि यहां से सपोज 12 कॉमन निकलेगा, आगे का काम आपका है विदेश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 रखना है, तो 12 कॉमन निकालेंगे तो 10 90 बचेगा यहां पे, तो 12 यहां से कॉमन निकालूंगा, 12 कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 276 स्क्वायर 23x प्लस यहां पे कितना बचेगा 90 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। जरा देखना
ये एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0 आ रहा है ओके उसी के बदल से मैं फैक्टर मतलब एक्स स्क्वायर कर रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0 आ रहा है अब मुझे 90 के फैक्टर निकालना है ऐसे फैक्टर निकालो एडिशन करके कितना मिला जाएगा 23 कैसे निकालेंगे देखो 90 ओके 90 यहां पे अगर 99 ऊपर यहां पे 10 लिखना पड़ेगा 5 ऊपर यहां पे 2 यहां पे 2 ये 0 1 ओके अब बाय यूजिंग दिस देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 45 हो जाएगा 45 प्लस 2 करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा इन दोनों का 10 हो जाएगा 10 प्लस 9 करेंगे तो भी नहीं आएगा तो फिर 89 इंटू 2 करें तो 18 18 प्लस 5 करें तो 23 आएगा तो मुझे फैक्टर करके x स्क्वायर माइनस 18x 9 इंटू 2 18 प्लस 5 करें ओके तो मुझे फैक्टर मिल गया x कॉमन निकालो x माइनस 18 कर दो माइनस 5 कॉमन निकालो x माइनस 18 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 x माइनस 5 x minus 18 is equal to 0 तो x is equal to 5 और x is equal to 18 ओके तो मैं आपको यहां पे एक चीज डायरेक्टली भी बताना चाहता हूं देखिए आपकी ये जो साइड है ओके ये 0 से तो बड़ी ही होगी हाँ x यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो साइड होगी इसको रफ कर देता हूं इसको निकाल देता हूं कोई भी साइड ये स्क्वायर ऑफ जो निकाला उसकी वैल्यू x से तो सॉरी 0 से तो बड़ी हो या फिर इसको देखिए इसको जो 24 माइनस 2x है वो भी 0 से बड़ा होगा एंड 45 माइनस 2x वो भी 0 से तो बड़ा ही होगा ओके ये आपको आइडिया होना चाहिए तो सर यहां पे आप x की वैल्यू तो 24 ग्रेटर देन 2x तो x जो 12 ग्रेटर देन x होगा तो x की वैल्यू जो होगी वो 12 से छोटी होगी ऐसा मुझे इस सम के अंदर दिख रहा ओके 0 से बड़ी लेकिन 12 से छोटी ऐसा बाय यूजिंग दिस इसकी मदद से भी आप यहां पे बोल सकते हो कि आपका जो आंसर होगा वो इन दोनों में से कौन सा होगा ओके हालांकि हम सेकंड डेरिवेटिव करके ही प्रूव करें क्योंकि आपको बता होगा लेकिन यहां से भी आप एक अजम्पशन लगा सकते हो कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो ये पॉसिबिलिटी ये है कि ये नहीं आ सकता ओके और कैसे नहीं आएगा उसमें हम प्रूफ करेंगे तो मैं वी डबल रेशियो फिक्स वी डबल रेशियो फिक्स करने के लिए ये वी रेशियो फिक्स था इसका मैं क्या करूंगा सेकंड डेरिवेटिव यहां पे 24x आ जाएगा देखो ओके ये क्या हो गया 24x 24x माइनस 2 76 माइनस 2 76 ये हो गया वी डबल रेशियो अब यहां पे आपको अदर यहां पे आपको अगर x इज इक्वल टू v डबल रेशियो 5 सॉरी x की जगह पे अगर मैं 5 रखता हूं तो यहां पे 24 इंटू 5 माइनस 276 तो ये मुझे क्या मिल जाएगा देखिए 120 माइनस 726 तो जहां जो भी आंसर आएगा लेस देन 0 होगा ओके तो v डबल रेशियो 5 लेस देन 0 मतलब ठीक है मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 5 के ऊपर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी किसकी v की मतलब वॉल्यूम ओके लेकिन अगर x की वैल्यू में 18 रखता तो देखो यहां पे 24 माइनस इंटू 18 हो जाता माइनस 276 ये आंसर इससे तो बहुत ज्यादा बड़ा तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो मुझे v डबल रेशियो ऑफ 18 मुझे क्या मतलब ग्रेटर देन 0 मिलता पॉजिटिव मिलता सो बी विल गेट मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 18 तो मुझे तो मैक्सिमम के लिए बोला है ना मुझे मेरे क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम तो मैं एक्स की वैल्यू किसको कंसिडर करूंगा एक्स की वैल्यू सो आंसर के रूप में आंसर एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर ओके अगर 5 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर अगर कट करूंगा चारों कॉर्नर से रेक्टेंगल रेक्टेंगल जो शीट दी है आपको उसके चारों कॉर्नर से अगर कट करूंगा तो मुझे जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होगा वो मैक्सिमम मिलेगा ओके तो ये नहीं ले सकते
मैंने बाई से कॉन्सेप्ट यहां से भी आपको बताया, ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जो आपका आंसर होगा क्रिटिकल पॉइंट होंगे दोनों में से कौन सा है। ओके, ओरल अगर बाई चांस आपकी गलती हो रही है तो आप उससे भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि आप सही हो या गलत। चलिए तो दोनों के दोनों सब एक ही मेथड था, प्लीज एक बार देख लीजिए। फ्रेंड्स स्पेशल नंबर जो 19 है बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम हो जाएगा। कैसे? तो पहले सम को पढ़ते हैं, उसकी फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। शॉर्ट है, ऐसा बताइए ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। चलिए तो यहां पे दो वर्ड आपने देखा, एक तो फिक्स्ड सर्कल। सबसे पहली बात सर, ये फिक्स्ड सर्कल होता क्या है? तो जो सर्कल की रेडियस चेंज नहीं होती, ओके, मतलब यहां पे कोई मैं सर्कल ड्रॉ करूं रेडियस कॉन्स्टेंट होती होगी, ये कोई सर्कल है, ओके, इसको मैं परफेक्ट सर्कल बोल सकता हूं। हा ओके, सर्कल जिसकी रेडियस चेंज नहीं हो रही कॉन्स्टेंट है उसको मैं क्या बोलूंगा? फिक्स सर्कल। अब शोध है, ऐसा बताइए ऑल दी रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल मैं बना सकता हूं। ओके, कैसे कैसे रेक्टेंगल बनाऊंगा बेटा? देखिए यहां पे अलग जो कहते हैं, ओके, कितने रेक्टेंगल आ सकते हैं? तो सपोज ऐसा हो सकता है, ये पहला रेक्टेंगल हो सकता है, ये दूसरा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ओके, कैसे भी रेक्टेंगल तो आप इसके अंदर इनफाइनाइट रेक्टेंगल बना सकते हो। ओके, उसके बाद बोला है द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। ओके, तो अगर आप सिर्फ लास्ट वाली लाइन पढ़ोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, फिर से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। किसी को ये क्वेश्चन होगा सर बात रेक्टेंगल की हो रही थी और यहां पे स्क्वायर कहां से आ गया? ओके, तो मैं आपको ये चीज बता दूं, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? सम सामने वाली साइड सेम होनी चाहिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है? चारों साइड सेम होनी चाहिए। तो स्क्वायर के अंदर भी सम सामने वाली साइड सेम है कि नहीं? हाँ है। तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो मुझे ऐसा बोला है कि भाई आप फिक्स सर्कल के अंदर जितने चाहे उतने रेक्टेंगल बना, लेकिन वो क्या होना चाहिए? इंस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्ट मतलब उसके जो भी वर्टाइसिस होने चाहिए वो सर्कल के ऊपर होने चाहिए, ये बोला है। ओके, अगर ऐसे बना तो जो मैक्सिमम एरिया होगा जिस रेक्टेंगल का, वो रेक्टेंगल कौन सा होगा? स्क्वायर वाला रेक्टेंगल हो जाएगा जिसका एरिया क्या होगा? मैक्सिमम। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। फिर से बता दूं, एक फिक्स रेडियस वाला कोई सर्कल ले लूं। ओके, तो चलिए मैं यहां पर फिगर को अच्छे से ड्रो कर देते ताकि आपको क्वेश्चन का, ओके, फिक्स रेडियस मतलब सर्कल की रेडियस मैंने अभी ली है आर। ओके, अब इसके अंदर मैं जितने चाहे उतने रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा बोले इसके अंदर मैंने जो भी रेक्टेंगल ड्रॉ किए उसमें से जिसका एरिया मैक्सिमम होगा वो मेरा स्क्वायर होगा। स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल क्योंकि स्क्वायर की साथ सामने वाली साइड भी सेम होती है। ओके, तो यहां पर मैं एक फिगर ड्रॉ करूंगा मतलब स्क्वायर ड्रॉ करूंगा, तो ये रेक्टेंगल, उसको रेक्टेंगल बोलेंगे क्योंकि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ओके, ये मैंने क्या ड्रॉ किया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसकी साइड एक्स है, ये है वाई, ये वाई तो ये सामने वाली वाई होगी, ये एक्स तो ये सामने वाली भी एक्स। ओके, अभी पहले इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझाया आपको पहले लिखते। ओके, यहां क्लियर, सर्कल ऑफ आर रेडियस जिसको मैं कॉन्स्टेंट बोलूंगा, कॉन्स्टेंट क्यों बोला? क्योंकि मुझे फिक्स रेडियस बोला है, तो इतना जो होगा वो क्या होगा? ये वाई है, ये वाला वाई है, ये वाला एक्स है, ये वाला भी वाई है। ओके, लेकिन यहां से इतना रेडियस है सर्कल की, आप देख रहे हो बेटा, मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा ड्रॉ कर दिया तो थोड़ा कम कर देते हैं, यहां तक आएगी रेडियस।
ओके नाउ एंड साइड ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स एंड वाई सेंटीमीटर. एक्स एंड वाई सेंटीमीटर कोई भी है ओके इसको मैं एक्स सेंटीमीटर बोलूंगा इसको बता. आपको फंक्शन कौन देगा? आपको फंक्शन देगा एरिया. स्क्वायर इज अ मैक्सिमम एरिया. एरिया चाहे रेक्टेंगल का हो चाहे स्क्वायर का हो एरिया का फॉर्मूला क्या आता है? दिस साइड इनटू दिस साइड एल इनटू एक्स इनटू वाई एरिया है. यहां पे एरिया रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स इनटू वाई. तो सर आप प्रूफ क्या करोगे? मैं ऐसा प्रूफ करूंगा कि मैंने सर्कल के अंदर जो भी ये रेक्टेंगल बनाया ओके वो अगर स्क्वायर होगा तो ये स्टेटमेंट प्रूफ होता है. स्क्वायर कैसे प्रूफ होता है? अगर एक्स इज इक्वल टू वाई मिला दो ओके ये एक्स इज इक्वल टू ये वाई हो जाएगा. मतलब दोनों साइड अगर सेम होगी तो ये रेक्टेंगल होगा वो किस प्रकार का हो जाएगा? स्क्वायर टाइप का रेक्टेंगल हो जाएगा. ओके तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर आपने जो बोला है क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. क्वेश्चन में बोला एक फिक्स रेडियस वाला सर्कल उसके अंदर बनने वाले उसके अंदर अगर मैं जितने चाहे भी रेक्टेंगल बनाऊ लेकिन सबसे मैक्सिमम एरिया किसका होगा? जो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा उसी का एरिया क्या होगा? मैक्सिमम होगा. ओके एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल ये आपको पता होना चाहिए. जो स्क्वायर होगा वही क्या बनेगा? मैक्सिमम एरिया बनाएगा. तो सर स्क्वायर बनाने के लिए रेक्टेंगल पहले एक्स एंड वाई साइड बना था. अगर मुझे स्क्वायर बनाना होगा तो मैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड दिस सम मैं क्या प्रूव करूंगा? एक्स इज इक्वल टू वाई. अगर दोनों साइड सेम आ गई तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा. अगर स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपको जो बोला है स्क्वायर एज अ मैक्सिमम एरिया वो प्रूफ हो जाएगा. ओके चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब ए. सर यहां पर वापस हमारा स्टार्टिंग वाला सम याद करिए मैंने बताया था सर ये तो दोनों वेरिएबल है एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है. ओके तो मुझे इस सम को एक वेरिएबल में करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? क्योंकि भाई यहां पर आ जाए फिगर के ऊपर आपको यह पता होना चाहिए कि अगर मैं इस सम का यूज कर रहा हूं तो यहां पर ऐसा बोला है कि फिक्स रेडियस मतलब रेडियस कॉन्स्टेंट. तो बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट मैं अगर यहां पे एक देखो ये तो रेक्टेंगल है तो यहां पे अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ करूं ये तो यहां से इतना भी आर होगा. यहां से ये सेंटर है. सेंटर से सर्कल के ऊपर के किसी भी पॉइंट की लेंथ को मैं रेडियस बोलूंगा. सेंटर से सर्कल के ऊपर के किसी भी पॉइंट को मैं लेंथ को मैं रेडियस. अगर मैं यहां पे 90 डिग्री देख सकता हूं तो आप भी देख सकते हो क्योंकि देखो ये रेक्टेंगल होगा तो उसका डायगोनल एक पॉइंट के ऊपर यहां पर साइड से क्या बनेगा 90 डिग्री. तो यहां पर मैं पाइथागोरस सप्लाई कर सकता हूं. कैसे? दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के जितना होगा. तो यहां पे मैं लिखूंगा हियर हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर. आपको दिख रहा होगा बेटा ये आर प्लस आर टू आर एंड हाइपो टू आर है तो उसका स्क्वायर फोर आर स्क्वायर हो जाएगा. ओके तो यहां से मैं माइक्रोस से गुणाऊंगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो वाई इज इक्वल टू वॉट अंडर रूट में फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सब एकदम इजी बन जाएगा. अब तो यहां से मैं वाई की वैल्यू उठा रहा हूं तो ये ए एरिया एक्स इंटू वाई की वैल्यू उठाई क्या आई अंडर रूट में फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स. बस यहां तक ही मुझे आपको बता रहा. अब आगे की जो भी फॉर्मूलाज होंगे जो भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करना है आपको अच्छे से आता है. ओके पहले मैं ए ऑफ एक्स लिखूंगा क्योंकि मेरा फंक्शन पूरा किसमें हो गया एक्स. अब मैं उसका डेरिवेटिव करूं. डेरिवेटिव कैसे होगा? पहला एक्स लिख दूसरे का डेरिवेटिव. ओके इसका डेरिवेटिव चलो थोड़ा इससे लिखते हैं. ए रेशियो ऑफ एक्स पहला एक्स लिख दूसरे का डेरिवेटिव मतलब पावर आगे एक पावर था मतलब ये वन ओवर अंडर रूट में फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा एंड अंदर वाले का मतलब इसका डेरिवेटिव माइनस टू एक्स का इसका डेरिवेटिव जीरो माइनस टू एक्स. अब प्लस दूसरा एजिटिव पहले का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले का डेरिवेटिव हो जाएगा वन. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे टू टू कट हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस इसको सामने दो का एलसीएम के तौर पे तो मल्टीप्लाई जाएगा तो फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये अंडर रूट ये अंडर रूट अंडर रूट में क्या जाएगा डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट में फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स. सो ये आप थोड़ा इजी बना लीजिएगा आपको क्योंकि मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा. तो यहां पे आएगा फोर आर का स्क्वायर
माइनस टू एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट में फोर आर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ये क्या हो गया के डैश ऑफ एक्स। चलिए अभी आपको वैल्यू रखनी है ए डैश ऑफ एक्स इज इक्वल क्या रखना है जीरो रखना है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके देखिए ए डैश ऑफ एक्स में जीरो रखूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रख के तो क्या था फोर आर स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर फोर आर स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट में फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो रख दिया। चलिए ये तो सामने जीरो हो जाएगा तो फोर आर स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ओके मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना कि आर किया रखना तो फोर आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर तो टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में टू आर। ये आपको एक साइड में एक्स मिला। अभी वाई अगर इसके इक्वल आ जाएगा तो मैं बोलूंगा एक्स इज इक्वल टू वाई। किसी भी स्क्वायर में या रेक्टेंगल अगर दो साइड एक दूसरे को इक्वल होती है ओके दो साइड मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए तो इनडायरेक्टली साम सामने वाली दोनों साइड दोनों पेयर क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी तो ये पूरी चारों की चारों साइड सेम हो जाएगी। ओके चलिए तो एक्स मैंने फाइंड किया अब आपको ए डबल डैश ऑफ एक्स निकालना है। हाँ क्योंकि मुझे ये जानना पड़ेगा कि ये जो आपने निकाला उसका सेकंड डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा फिर ये वैल्यू रखूंगा तो आपको क्या मैक्सिमम एरिया चाहिए। ओके तो ए डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो मिलेगा तो ही मैं बोलूंगा कि भाई जो भी एरिया है वो मैक्सिमम। यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे करेंगे नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला कौन है तो फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट था उसका स्क्वायर किया अंडर रूट निकल नीचे वाला ऊपर है इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो ये फोर आर स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो माइनस ये टू एक्स स्क्वायर का तो माइनस फोर एक्स आ जाएगा बीच में कंपल्सरी नहीं है। फिर ऊपर वाला है जीरो तो फोर आर स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर है जीरो नीचे वाले का डेरिवेटिव तो ये तो आपको पता है पावर आगे एक पावर का मतलब वन अपॉन अंडर रूट में फोर आर स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इन टू इसका डेरिवेटिव यहां पर एक्स स्क्वायर है ओके इन टू इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस टू एक्स। चलिए ठीक है ये टू टू कट हो जाएगा यहां पे फिर से ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स इन टू चलो ये बंदा एलसीएम के तौर पे यहां पे जाएगा तो फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा माइनस इसका आगे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा एक्स इन टू फोर आर स्क्वायर माइनस टू एक्स का स्क्वायर डिवाइड डिवाइड में क्या आ जाएगा फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था इन टू अंडर रूट में फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। ओके नाउ अब जरा समझिए आपको एफ सॉरी ए डबल डैश ऑफ अंडर रूट टू आर लिखना है ना ये वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि आपका एरिया जो होगा मैक्सिमम होगा या नहीं। ओके एक बात समझिए ये वाला शेप आ गया माइनस जरा देखिए एक्स की जगह पे अगर अंडर रूट टू आर रखूंगा तो देखो यहां फोर आर स्क्वायर को था माइनस अंडर रूट टू आर का स्क्वायर करूंगा तो टू आर स्क्वायर बनेगा मतलब ये वाला जो टर्म होगा ये वाला टर्म पॉजिटिव मिलेगा ये वाला टर्म क्या मिलेगा टू आर स्क्वायर उसके आगे नेगेटिव ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा नेगेटिव। ओके तो ये जो पूरा टर्म है वो नेगेटिव ये टर्म पूरा नेगेटिव प्लस अब इसको समझ एक्स की जगह पे अगर अंडर रूट टू आर लिखूंगा इन टू ये फिर से यहां पर ये क्या मिल जाएगा पॉजिटिव मिल जाएगा फोर आर स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा और टू इन टू टू आर स्क्वायर। ओके तो ये क्या हो जाएगा फोर आर स्क्वायर रखा इसका स्क्वायर करेंगे तो टू ओके फोर आर स्क्वायर टू इन टू अंडर टू तो ये टू इंटू आर स्क्वायर होते तो ये क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। देखो तो ये नेगेटिव माइनस जीरो तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा यस और नीचे वाला आपको देखने की जरूरत ही नहीं ये पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव ही होगा। ओके तो ये पूरा जो टर्म मिला आपको ये आपको जो पूरा टर्म मिल रहा है इसी को आपको सॉल्व करना है
ये x into 4r square minus 2x square, तो यहाँ पे मैंने फिर से बता रहा है 4r square का minus 2 into x का square, मतलब इसका square करोगे under 2 का square 2, r का square r square, ओके तो ये 4r square 4r square, ये वाला zero हो जाएगा, ये negative था, नीचे वाला तो आपको positive मिल गया, तो negative ऊपर positive, ये पूरा number क्या आएगा negative, which is less than zero, ये less than zero है, so we will get maximum एरिया एरिया एट विच पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आर। ओके ये आपने बता तो दिया एरिया आपको मैक्सिमम मिलेगा इस पॉइंट पे, लेकिन आपको फाइंड करना है वाई भी फाइंड करना है, तो चलिए वाई कैसे फाइंड करेंगे, यहां से वाई इज इक्वल टू आपको दिया है वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की मदद से x की वैल्यू क्या होगा, ये रहा y इज इक्वल टू अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2r का स्क्वायर करेंगे तो 2r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया अंडर रूट में 2r स्क्वायर। ओके तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिला अंडर रूट 2r, देखिए तो बेटा x जो है वही तो y की वैल्यू है, x इज इक्वल टू y, सो the rectangle we have made in circle is a square। ओके जो भी आपने रेक्टेंगल बनाया था स्क्वायर के अंदर, सॉरी सर्कल के अंदर, वो क्या है स्क्वायर है, सो ट्रू। ओके जो हमने मैक्सिमम एरिया फाइंड करने की बात की थी कि भाई मैक्सिमम एरिया मिलेगा वो किस पॉइंट के ऊपर मिलेगा, अगर सर्कल बनता होगा फिक्स रेडियस के सर्कल के अंदर तभी आपको मैक्सिमम एरिया मिलेगा, तो यहाँ पे एरिया मैक्सिमम आ गया इस पॉइंट के ऊपर, ये दोनों पॉइंट क्या थे दोनों इक्वल थे, दोनों साइड इक्वल, देखिए ये एक्स था तो सामने एक्स आएगा, ये वाई था तो सामने, ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, दैट्स व्हाई सो जो बन रहा है फिगर वो क्या बनेगा स्क्वायर बन। तो बेटा आज के वीडियो के अंदर हमने तीन सम किए हैं, तीनों सम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। ओके अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू, जय हिंद।